क्या तय हुआ साहू समाज द्वारा किनको समर्थन दिया जा रहा है? देखिए जमुई दैलिक साहू समाज ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। समाज की नाराजगी थी कि इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार से किसी भी गठबंधन ने उनको टिकट नहीं दिया, उसकी नाराजगी चल रही है। निश्चित रूप से अभी महा एनडीए ने तो टिकट बांट दिया, एनडीए ने टिकट काटने का काम किया। एनडीए के लोग इसके बधुआ मधुर समझते हैं, लेकिन जमुई के लोगों ने जो आज संकेत दिया है, हमें लगता है कि बिहार में यह लकीर खींचेगी। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, और हमें लगता है सीतामढ़ी शिवहर का टिकट का घोषणा नहीं हुआ, हमें ज़रूर इंसाफ मिले। सीतामढ़ी या शिवहर से कैंडिडेट आ सकता है? निश्चित तौर पर साहू समाज के राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हो सकते हैं, हम लोग का लगातार मांग है और पूरा भरोसा भी कि हम लोग को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। जिस हिसाब से साहू समाज का पूरा आपको समर्थन मिल रहा है और राजद को एक तरह से मिल रहा है समर्थन, तो क्या लगता है आपको तेजस्वी से इस मामले में बात हुई है कि टिकट दिया जाए? निश्चित तौर पे तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार साहू समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। रणविजय साहू जो छात्र जीवन से राष्ट्रीय जनता दल में था, आज बिहार विधानसभा में है और राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव, ये साबित करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव हमेशा तेली समाज साहू समाज को आगे बढ़ाने का काम किए। यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार अर्चना रविदास जी को जमुई के तमाम साहू समाज ने आज संकल्प लिया है कि ऐतिहासिक वोट से अर्चना रविदास जी को यहां से जिता के लोकसभा में आवाज़ बुलंद करने के लिए समाज ने निर्णय लिया है। और हमारा समाज इतना सच्चा समाज है, यह समाज जो बोलता है वही करता है, और पूरी शक्ति और ताकत के साथ इस लोकसभा के तमाम साहू समाज, डॉक्टर नीरज गुप्ता जी जो हमारे सम्मानित यहाँ के नीरज शाह जी हमारे अध्यक्ष हैं और समाज सेवी भी हैं, इन्होंने सामूहिक प्रस्ताव पारित करके निर्णय हुआ। यहाँ के जो साहू समाज के लोग थे वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नोटा में बटन दबाने की बातें आ रही थी, तो अब क्या हो रहा है? देखिए जमुई लोकसभा के पूरे लोगों को आज पूरे क्षेत्र से यहाँ पर बुलाया गया और सबसे राय मशवरा किया गया, और राय मशवरे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बातचीत से यही निकला कि नहीं महागठबंधन को आज वोट किया जाए, और इसी डिसीजन को और इसी निर्णय को आज यहाँ पे आप लोग के सामने साफ सुथरा रूप से आप देख ही रहे हैं कि हम लोग का डिसीजन ये हुआ कि महागठबंधन को वोट करना है। महागठबंधन से किन शर्तों पे आप लोग एग्री हुए? कोई शर्त नहीं है, बीजेपी को मैंने इतना दिन बहुत दिन ढोया, कोई शर्त नहीं था, आज भी इनके साथ मेरा कोई शर्त नहीं है। अब तेजस्वी जी खुद चाहें कि हमारे साहू समाज ने क्या करना नहीं करना है, कोई शर्त नहीं उनके साथ, लेकिन उनको मैं हमारे जो मुकेश भैया हैं, हमारे ये अर्चना मैडम है, अब ये लोग कहेंगे हमारे समाज के क्या करेंगे, अब इन पर बीमारी है, मेरा कोई इसमें नहीं रहता है, मैं जहाँ भी जुड़ता हूँ बोले। कितनी बड़ी जीत दिलाएंगे आप लोग? देखिए ऐसा देखिए ये चुनाव है, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है ये जो समीकरण बन रहा है अच्छा रहेगा, बहुत फायदेकारक चीज़ रहेगा। अच्छा क्या लगता है कि अब आप बीजेपी छोड़कर आपने भी अब राजद? देखिए मैं हमेशा हमको बोला कि आप आरजेडी में चल जाए, देखिए हम आरजेडी में और बीजेपी की बात नहीं करता, मैं समाज के लिए पहले हूँ, समाज के हित में जो पहले वो डिसीजन लगा, अगर 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 आरजेडी पार्टी चाहती है कि डॉक्टर साहब को आरजेडी माना चाहिए, हम उनको सम्मान देंगे तो हम जाने तैयार होंगे, सम्मान जहाँ मिलेगा मैं वहाँ जाऊँगा, इसका कोई नहीं है, राजनीति में हर चीज़ होता है, सम्मान की बात होती है, सम्मान जहाँ मिलेगा मैं जाने तैयार होऊंगा। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर